गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन प्रीति गर्ल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज की ये वीडियो मैं वॉइस के लिए लेकर आई हूं। सॉरी गाइस, बाहर से साउंड आ रही है, प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सारे लोग क्लीन सेवी रखना चाहते हैं, मैं वॉइस की बात कर रही हूँ। जिनकी बियर्ड आ चुकी है वो अपना सेव क्लीन रखना चाहते हैं। हाँ, आजकल का फैशन है बियर्ड रखने का भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना सेविंग बिल्कुल क्लीन रखना चाहते हैं, जैसे सेल्समैन एंड सोल्जर्स हो गए हैं। और कुछ लोग तो पर डे सेव करते हैं, हो सकता है उनमें से आप भी एक हो। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि सेविंग करना बहुत ही ईजी है, तो कि रेजर उठाया और यूं 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 घुमाया और हो गई सेविंग, तो आई एम सॉरी, माफ करिए मुझे, आप गलत हैं। सेविंग करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। चाहे आप पर डे सेविंग करते हो या फिर पर डे ना करते हो, दो तीन दिन बाद सेव करते हो, तो सेविंग करने के पहले एंड बाद में क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सेविंग करने से पहले आप एक मोटी तौलिया लें और उसे गर्म पानी में डिप करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप उसे गर्म पानी से निकाल लें और उसका पानी निचोड़ लें, और जब वो सहने लायक रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, तो उससे अपने पूरे फेस को कवर करके रख दें 2 से 3 मिनट के लिए। इससे आपके फेस के हेयर स्मूथ और नरम हो जाएंगे, जिससे आपको सेव करने में आसानी होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को हेयर के डायरेक्शन में ही सेव करना चाहिए, बेहतर होगा कि आप नीचे से सेव करना स्टार्ट करें। तो ये थी सेविंग के पहले की बात, और अब हमें सेविंग के बाद क्या करना चाहिए ये बातें जान लेते हैं। तो मेरे फर्स्ट टिप्स में है बनाना एंड हनी। आपको सेविंग करने के बाद आधा बनाना लेना है और उसे स्पून से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून हनी ऐड करना है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इससे आपका फेस ग्लोइंग एंड शाइनी बना रहेगा। सेकेंड टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको लेना है बेसन, हनी एंड हल्दी। तो आपको सेविंग करने के बाद 1 टेबल स्पून हनी लेना है, 1 टेबल स्पून बेसन एंड 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेना है। आपको इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके सेविंग करने के बाद अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद आप गुनगुने पानी से वॉश कर लें। इससे आपके फेस के जितने भी डस्ट रहेंगे वो क्लीन हो जाएंगे एंड आपका फेस मॉइस्चराइज रहेगा, और साथ ही आपके फेस में नमी भी बरकरार रहेगी, तो आपके फेस ग्लोइंग करेंगे। मेरे थर्ड टिप्स में आपको लेना है खीरा, दही एंड ओटमील पाउडर। आपको 1/2 खीरा लेके उसे कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लेना है एंड 1 टेबल स्पून दही ऐड करना है एंड 1 टेबल स्पून ओटमील पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद फेस को गुनगुने पानी से वॉश कर लें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स सेविंग करने के बाद की, जो आपको डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे आपका फेस अच्छा रहेगा और ग्लो करेगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।